नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। मैं आज भारतीय बौद्ध महासभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को तालपुरा चौराहे के पास स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई गई। इस दौरान भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष हरचरण लाल बौद्ध और जिला महासचिव सीताराम, कोषा अध्यक्ष काशी राम बौद्ध आदि लोग उपस्थित रहे। इस सभा में उपस्थित लोगों ने उपदेश देकर बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सभी वर्गों को देखते हुए भारत का संविधान बनाया और उन्हें लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सही सरकार चुनने की ताकत वोट के माध्यम से प्रदान की है। उन्हीं के संविधान की देने की आज आम व्यक्ति पर सरकार स्वयं चुनता है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए झांसी से ब्यूरो चीफ प्रतीक सैमसन की खास रिपोर्ट। विश्व को मानवता का ज्ञान देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन। आज भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज यह परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की भी मानना पड़ेगी, बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर हमको चलना पड़ेगा जिससे कि हमारा विकास होगा और भारत देश का विकास होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है, सिर्फ बदलाव के लिए काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे इस देश के अंदर समता, समानता और बंधुत्व की भावना हो। उस बंधुत्व की भावना को लेकर संविधान के अंदर उन्होंने सभी लोगों के लिए समान अधिकार दिए। भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, वहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आज ऐसे महामानव की पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं और आशा और विश्वास के साथ कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम ये चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के अंदर उनने अपने पूरे जीवन में समता समानता के लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और देश के अंदर भाईचारा कायम करें।